हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सारिका साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल वीडियो इज द एंड देयर ऑब्जेक्ट इज टू डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बाय ड्रॉप काउंट मेथड. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट वी हैव टू प्रिपेयर द एपरेटस. सो फर्स्टली वी टेक स्टैलैग्नोमीटर, देन डेंसिटी bottle, relative density bottle or picnometer and weighing balance and clamps, stand. Okay, so अब हम stalagmometer को vertically place करेंगे. Okay, this vertically हम place किया. Okay, then अब stalagmometer क्या होता है हम इसके बारे में जानते हैं. ठीक है, तो stalagmometer में आप देखिए upper mark होता है. ठीक है, ये ऊपर से जो यहाँ पे मार्क दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये हो गया आपका अपर मार्क इन बल्ब, और ये बीच का जो पोर्शन है ये आपका हो गया बल्ब. एंड सेम थिंग, जितना ऊपर मार्क है उतना ही नीचे भी मार्क है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड लोअर मार्क. ओके, सो स्टूडेंट्स हम इसमें सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग विद इन द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल राइट एंगल टू अ लाइन ऑफ 1 meter लेंथ. ओके, द यूनिट इज मिली न्यूटन पर मिनट. ओके, सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड के सरफेस पे एक्टिंग होने वाला वो फोर्स है. ओके, जो कि डाउनवर्ड पोजिशन में जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो हो गया. ठीक है, द वेरियस मेथड आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन इंक्लूडिंग कैपिलरी राइज मेथड. ओके, एंड टेंसियोमीटर मेथड. ओके, देन सरफेस टेंशन इज ऑल्सो मेजर्ड बाई यूजिंग स्टैलैग्नोमीटर बाई ड्रॉप काउंट मेथड. ओके, सो इन नेक्स्ट द स्टैलैग्नोमीटर of consist a capillary glass tube whose middle section is winded. The lower end of the tube is narrowed to force the fluid to fall out of the tube as a drop. Okay, तो जो हमारा जो upper mark है and the lower mark. Okay, तो हम जब लिक्विड को यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है, अप टू द लोअर मार्क. ओके, एंड फिंगर टिप से हम इसको क्लोज करके रखेंगे. जैसे ही हम फिंगर टिप हटाते हैं, जैसे ही वो अपर मार्क में हमारा जो बल्ब जो लिक्विड है वो सैंपल यहाँ पे पहुँचता है, वैसे ही फिर हमने अपर मार्क से लोअर मार्क तक जब तक पूरा जो लिक्विड सैंपल है वो जो एम्प्टी नहीं हो जाता है स्टैलैग्नोमीटर से, ठीक है, तो जैसे ही वो जब हम यहाँ से वहाँ अपना फिंगर टिप हटाते हैं तो ड्रॉप वाइज वो नीचे गिरने लगता है. ठीक है, तो फॉलिंग डाउन द ड्रॉप. ओके, तो हम इसको काउंट करते हैं कितने ड्रॉप्स वो हुए हैं. ठीक है, तो द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इज नैरो टू फोर्स द फ्लूइड टू फॉल आउट द ट्यूब एज अ ड्रॉप. ओके, देन सर्फेस टेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल साइंस व्हेन यू आर लुकिंग एट अ लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ आई एंड नोज. ओके, आई और नोज, सो टेकन दैट ओरली. ओके, सो नेजल फॉर्मुलेशन हैज़ सर्फेस टेंशन बिलो दैट ऑफ नोज टू अलाउ ग्रेटर स्प्रेडिंग. ओके, स्प्रेडिंग क्वालिटी होगी तो अच्छे से, ठीक है, स्प्रेड होगा. सॉल्यूशन टू ट्रीट रेड आइज हैड सरफेस टेंशन लेस दैट ऑफ टीयर्स. ओके, सो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑफ अ ड्रॉप लिक्विड ओके टू दैट रेफरेंस सब्सटेंसेस दैट इज वेट टू फॉलिंग फ्रॉम द सेम कैपिलरी ओरिफिक स्टैलैग्नोमीटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन. ठीक है, अब हम जो हमारा लिक्विड सैंपल है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन को हम मेजर करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हम समझ जाते हैं. ठीक है, तो
जो हम वेट यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द ड्रॉप इज़ W1, ठीक है, एंड रेफरेंस सब्सटेंस जो हम लिक्विड लेंगे उसका W2, ओके. देन जो सरफेस टेंशन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ γ1 एंड γ2, ओके, आर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिवली देन द इक्वेशन, ओके. तो हमने यहाँ पे एक रेफरेंस सॉल्यूशन लिया है एंड एक हमने वाटर लिया है, ठीक है. तो एक जो अननोन सैंपल है उसमें हम लिक्विड पैराफिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड कंपेयर करेंगे उसको जो हमारा वाटर डिस्टिल वाटर है, प्यूरिफाइड वाटर है उससे, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा ये जो फार्मूला है कैसे डिराइव हुआ. तो γ1/γ2, तो इसी के वेट भी देखते हैं हम, W1/W2, ओके. द वेट ऑफ सिंगल ड्रॉप इज़ Vp/N, सो वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिलीवर्ड एंड एन इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ओके, एंड पी इज अ डेंसिटी, ओके, दैट इज रो इज अ डेंसिटी. सो देन द अबव इक्वेशन इज γ1/γ2 इक्वल्स टू Vp/N1 इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है, एंड Vp/P2/N2, ओके. This is rho, not P. If the same volume of the liquid and the reference substances is allowed to the flow to flow from the same stalagmometer, then the equation, okay? Then equation is derived γ1/γ2 equals to ρ1/ρ2 into N2/N1, okay? Then rearrange the equation. So this γ1 equals to ρ1/ρ2 into N2/N1 into γ2, ओके. सो दीज आर द इक्वेशन. तो इस इक्वेशन में हम अपनी वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है, जो रीडिंग्स हमने ली हैं, देन उसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो सरफेस टेंशन है वो कैसे आता है, ठीक है. तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट इफ द डेंसिटीज एंड नंबर्स ऑफ ड्रॉप ऑफ बोथ द लिक्विड्स आर नोन, द सरफेस टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड. वाटर इज जनरली यूज फॉर द रेफरेंस लिक्विड, ओके. सो हमने जो अननोन सैंपल लिया है उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे जो रेफरेंस है उससे, ठीक है. तो अब हम देखते हैं हमको कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम जो हमारा स्टैलेग्नोमीटर है, ठीक है, थॉरली क्लीन स्टैलेग्नोमीटर यूजिंग क्रोमिक एसिड एंड प्यूरिफाइड वाटर, बिकॉज सरफेस टेंशन इज हाईली अफेक्टेड इफ विद ग्रीस और डस्ट, ठीक है. तो कोई भी इसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो ये हमारा जो स्टैलेग्नोमीटर है, ठीक है, इसमें देखिए मार्क्स बने हुए हैं, ठीक है, और ये मार्क्स बने हैं, वो सेम मार्क्स जो है वो लोअर पोर्शन में बने हुए, ठीक है, अपर मार्क एंड लोअर मार्क, ओके. बीच में ये आपका बल्ब है, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप जो है, स्टैलेग्नोमीटर मस्ट बी माउंटेड इन वर्टिकल प्लेन विद इन अ क्लैम, ठीक है. इसको हम वर्टिकली यहाँ पे अटैच करके रखते हैं, ओके, वर्टिकल पोजिशन में हम इसको रखेंगे, ठीक है. देन फिल द स्टैलेग्नोमीटर विथ प्यूरिफाइड वाटर एंड काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप फॉलिंग डाउन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट A to B, ओके. तो अब हम यहाँ पे लिक्विड सैंपल फिल करने के बाद में हमारा ये A to B जब तक आएगा तो ये कितने ड्रॉप्स में ये नीचे आ रहा है उसको हमें काउंट करना है, ओके. सो रिपीट द, ठीक है, इसको हम देखते हैं. देन नेक्स्ट हम वेइंग बैलेंस में जो हमारा ड्राई एम्प्टी पिकनोमीटर है उसका हम वेट देखते हैं, ठीक है, ओके, 20.0 ग्राम, ओके. देन इसके बाद में जो हमारा वेट ऑफ डिस्टिल वाटर फिल्ड विथ पिकनोमीटर, ओके, ठीक है. तो पिकनोमीटर विथ वाटर हमने लिया 40.2 ग्राम्स, ओके. देन अब हम देखते हैं जो हमारा सैंपल है, ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन, उसके साथ में जो वेट आता है वो कितना आता है, ठीक है. तो टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में हम फिर से एक बार रीडिंग ले लेते हैं. तो ये हमारी आ गई है 43.9, ओके. ये सारी रीडिंग्स को हम नोट डाउन करेंगे.
The next is fill the sphygmomanometer with purified water and count the number of drops falling down between two points A to B. Okay? तो फिंगर टिप्स को हम हटाते हैं तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा लिक्विड है वो यहाँ पॉइंट से अब हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे. ओके तो ये हमारा जो ड्रॉप आ रहा है इसको हम काउंट करते हैं. ओके तो इस तरीके से हम ड्रॉप काउंट मेथड को कंप्लीट करेंगे जब तक कि ये जो ये जब ये पूरा बी तक आ जाएगा ये हमारा यहाँ तक तो हम तब तक ये ड्रॉप को काउंट करेंगे. ओके तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसीजर है ये हम थ्री रीडिंग्स लेंगे इसकी बार बार एम्प्टी करेंगे स्टेरिनोमीटर को देन फिर से फिल्ड करेंगे देन फिर ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे एटलीस्ट थ्री टाइम्स. ओके देन सेम प्रोसीजर हम जो हमारा टेस्ट लिक्विड है उसके साथ भी करेंगे. ठीक है सेम तो हम उसका ड्रॉप काउंट कितना आया उसको हम नोट डाउन करेंगे. ओके अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट में. अब हम देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट तो हम रूम टेम्परेचर को सबसे पहले नोट करेंगे कितना है हमारा रूम टेम्परेचर अभी अगर यहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस तो हम यहाँ नोट डाउन करेंगे. ठीक है देन वेट ऑफ ड्राई एम्प्टी पिक्नोमीटर हमने जो वेट लिया था वो यहाँ पे पुट करेंगे देन एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस डिस्टिल वाटर देन एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस टेस्ट लिक्विड. ओके देन इन सभी के रीडिंग्स को हम नोट डाउन करेंगे देन वेट ऑफ लिक्विड निकाल लेंगे. ठीक है देन वेट ऑफ डिस्टिल वाटर. ओके देन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रो टू अपन रो वन तो हमने जो डेंसिटी बॉटल से निकाली थी वो हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पे. ठीक है देन सरफेस टेंशन के लिए जो हमने यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे नोट डाउन किया था. ठीक है इस इक्वेशन में हमको सारे वैल्यूज़ को रखनी है और सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करना है. ओके जिसके लिए जो चार्ट बनेगा वो बनेगा आपका वाटर की यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स की यहाँ पे रीडिंग आएगी. ठीक है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन रीडिंग एटलीस्ट आपको लेना है देन उसका एवरेज निकालना है देन लिक्विड्स जो हमने टेस्ट लिक्विड लिया था उसकी रीडिंग्स लेनी है देन उसका एवरेज निकालना है. ठीक है तो ये होगा आपका नंबर ऑफ ड्रॉप्स. ठीक है फिर ये आप प्लेस करेंगे एन टू एंड एन वन में. ओके देन डेंसिटीज़ आप यहाँ प्लेस करेंगे. ठीक है इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में रख के गामा वन गा सकते हैं. ठीक है देन सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड इज़ जो भी आपकी रीडिंग आई वो न्यूटन पर मीटर. ओके देन एट जो आपकी रूम टेम्परेचर है वो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. ठीक है इतने डिग्री सेल्सियस. ओके सो दिस इज़ अ डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय गिवन लिक्विड बाय स्टैलेग्नोमीटर. ओके सो स्टूडेंट थैंक यू.